नीता पहलवान और उसके भाई की मौत का खुलासा। स्पेशल सेल की टीम ने दो को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से मिला लाइसेंस ये रिवॉल्वर। नीता को 4 और सूरज को लगी 3 गोलियां। हरियाणा के सोनीपत के गांव हलालपुर अकादमी में राष्ट्रीय स्तर की महिला पहलवान निशा और उसके भाई सूरज की हत्या में स्पेशल सेल ने दिल्ली के द्वारका इलाके से कोच पवन और उसके साथ ही सचिन को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार उसके पास से एक लाइसेंसी रिवॉल्वर भी मिला है। आपको बता दें कि हत्या के बाद दोनों के शवों का गुरुवार दोपहर सामान्य अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें चिकित्सकों ने निशा को 4 और सूरज को 3 गोलियां लगने की पुष्टि की है। गांव हलालपुर की निशा ने कोच की हरकतों का विरोध किया था, जिसके चलते उसकी बुधवार को गांव में स्थित सुशील कुश्ती अकादमी में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इससे पहले कोच पवन ने उसके परिजनों को निशा की तबीयत खराब होने की जानकारी दी थी।